मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन आश्रम में। महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान हैं, भक्तों से बातें कर रहे हैं और आज एक विशेष भक्त इसलिए कह रहा हूं कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह राजघराने से हैं और वो विशेष पूजन के लिए आज वृंदावन आश्रम में मां कात्यायनी मंदिर में जो उनका एक छोटा सा उत्सव होना है उसको करने के लिए आए हुए हैं। मैंने विशेष इसलिए कहा कि भक्तों की जो श्रेणी है महाराज जी के यहां कोई विशेष नहीं होता था, लेकिन सामाजिक रूप से सामाजिक स्तर से जो लोग अपने को अलग मानते थे या समाज में आज भी अलग व्यवस्था में श्रेणीयत किए जाते हैं, तो अगर मैं उनको भक्त कहूं तो ये भी चलेगा। विशेष इसलिए कह दिया कि उन्होंने भारत का भी मान बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में न्यायमूर्ति के रूप में उन्होंने काम किया है। आज वो महाराज जी का पूजन करने आ रहे हैं। विशेष रूप से एक बात और है, महाराज जी का जो पूजन करना है वो प्रतिस्थापन पूजन करना है कि महाराज जी में उनकी निष्ठा है। अपने परिवार सहित नागेंद्र सिंह जी आए। आज आने के बाद महाराज जी से निवेदन किया कि हम आपका पूजन करना चाहते हैं, आप थोड़ा वक्त दीजिएगा। आश्रम परिसर में ही मां कात्यायनी देवी का मंदिर है और वहां पर आपको आमंत्रित किया। आप देखिए महाराज जी का ही आश्रम है, महाराज जी के आश्रम में उनका पूजन करना है, विशेष स्थल पर आने के लिए लेने आए कि चलो सर अब चलिए। ये एक तरह से कहिए कि सम्मानजनक स्थिति है, या शुद्ध भाषा में कहूं जो संसदीय भाषा है प्रोटोकॉल। नागेंद्र जी जब वहां से उनके तख्त पर जब आमंत्रित करने आते हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं, तो महाराज जी कहते हैं लल्लू चल तू भी चल। लल्लू जानते हो ना कौन है? लल्लू देव कामता दीक्षित, जिनको लल्लू दादा कहा जाता था। लल्लू भी चलते हैं और लल्लू बाहर बैठे रहते हैं, देव कामता दीक्षित बाहर बैठे हैं। महाराज जी को अंदर बिठा के एक बड़े से सिंहासन पर उनका पूजन किया जा रहा है। शंख घंटे ये सब कुछ पूजन आरती जब हुआ तो महिलाओं की कुछ रोने की आवाज आई। खैर जब भी महाराज जी का पूजन हो गया, महाराज जी बाहर आए, लल्लू दादा आके फिर तख्त पे के पास आके महाराज जी तख्त पे विराजमान हो गए, भक्तों से मिलने लगे। लल्लू दादा ने उसी समय प्रश्न किया, बाबा जी महिलाएं रोई क्यों थी जब आपका पूजन हो रहा था? महाराज जी थोड़े से उदास हुए, बोले ये भक्ति भावना है, महिलाएं इसलिए रोई कि उन्होंने जो भेंट पूजा देनी थी कभी राजघराना हुआ करता था तो कुछ और मुद्राएं दिया करते थे। उनके जो 400 वर्ष पूर्व गुरु हुए थे, एक बंगाली गुरु को माना था उन्होंने, तो आज भी गुरु स्थान पर वही हैं, लेकिन हमारा सम्मान करते हैं इसलिए हमको यहां पूजा उन्होंने, और उन्हें कष्ट इस बात का रहा कि जो जब राजघराना था तो जो उन्हें भेंट करते थे उतनी भेंट वो दे नहीं पाए। गुरु जी के लिए वो अपनी बात रखते हैं। अब आप समझिएगा कि अगर आदमी भेंट पूजा भी अपनी इच्छा के अनुसार न दे पाए तब भी कष्ट महसूस करता है। यह है क्या भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है, और यही सब जब समृद्ध हो जाता है भक्त की भावना में तो पूजा सार्थक हो जाती है। तो महाराज जी ने ये बात देव कामता दीक्षित को बताई और उन्होंने कहा कि नागेंद्र कह रहा था महाराज जी गुरु तो पंच तत्व में विलीन है,
आप कृपा बनाए रखना। तो मित्रों, जब भी कोई प्रार्थना करता है तो महाराज जी कृपा तब भी बनाए रखते थे जब वो शरीर थे, अब पंच तत्व में विलीन होने के बाद भी कृपा मिलती रहती है। केवल भावना में जो एक श्रद्धा होती है, एक समर्पण होता है, वो हो तो उनकी सेवा में जो बात कही जाती है उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। कथा आपने सुन ली है और एक मिनट में और आपका चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना महाराज जी के बारे में खोजो जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्ट पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी, मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका, प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पर पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी।